जाला यहाँ पे फिश अब फ्राई कर रही है स्पेशल हम सब के लिए। मेरे से भारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जाला व्लॉग्स। और एक और ब्लॉग के साथ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर वाले कह रहे हैं ब्लॉग बनाओ। और इसके अलावा लूका आ गया अपनी बाइक लेके। हम जाने लगे हैं तौनसा। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरे में बोलने के लिए कि मैं बनाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी हमारा फैमिली ट्रिप। आज क्रिसमस के बाद मौका मिला कि हम लोग इकट्ठे होकर जरा घूमें फिरें, इस वजह से तो चले। और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बारिश हो रही है, क्योंकि आपको मेरे चश्मे पर भी नज़र आ रही होगी कि बहुत बारिश हो रही है। और अब ये सीन है कि सारे तैयार हो रहे हैं, सब ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, किसी ने कुछ रखा है, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कोई पैकिंग किया। और मेरा बिल्कुल मूड नहीं जाने का, लेकिन मेरी मम्मा मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रही है कि नहीं जाना है। मैंने तो बोला था मुझे घर छोड़ दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक, या तो मैं पूरे रास्ते में सोती जाऊँगी या तो मैं वहाँ जाकर सो जाऊँगी, कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो देखते हैं मेरा ट्रिप कैसा जाता है इस बीमारी के साथ। ये बात यह है कि मेरा ज़्यादा गला इतना ख़राब है, मेरी मम्मा ने मुझे शायद पिलाया तो सारा मेरे कपड़ों पर घेर दिया, मेरी शर्ट पूरी ख़राब कर दी। और मम्मा ने ताले लगाने पर जोर दिया, पूरी मेरी शर्ट ख़राब होगी, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी पहनने को, और बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। लुका का कैमरा दिखाती हूँ। वाह, और लुका ने मुझे कैमरा दिया पहनने के लिए गले में, और इसकी फ़ोटो खींची जाती है। उसने कहा ज़्यादा नहीं चलाना, अगर उसके सल खत्म हो गए मैं तुझे मार दूँगा। इसके कैरी के बैग से मुझे लग गई है चोट। आज का दिन मेरे लिए शुभ नहीं है मुझे लगता है। और अब बैकरी पर रुक के बाद खाने पीने का सामान लेने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे रास्ते में चढ़ते हुए जाना है। मानू का कहना है कि बैकरी दिखने में छोटी यार, इसके पास नहीं कुछ मिलता। चले जी, हम तो उन सब राज पहुंच चुके हैं। बराज है, मेराज है, जो भी है। अपना मुंह तो ले ले, पानी अंदर है, बहुत पानी है यहाँ पे। मीनू को यही फेंक देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसकी हवा से तंग आ चुकी। प्लीज मानुर को धक्का दे, देखो यहाँ किधर बजरूज की जान जाती है अगर मानुर को कुछ कहो तो। बजरूज को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम किस साइड पे उतरे हैं। इसी कन्फ्यूजन में वो सबको कन्फ्यूज कर रही है कि नहीं हमने तो उधर जाना था। फंसेंगे देखना। क्या खबरदार, नहाना मन है दरिया में, हम कैसे चलाएंगे? मेरा तो गला ही खराब है। उन्होंने कहा बाइक जो है वो दरिया में चलेगी, हम दरिया में कैसे चला सकते हैं? लुका भी सस्ते आशिकों की तरह जमीन पे नाम लिखता फिर रहा है। हो जाएंगे गंदे वक्त के साथ, कुछ नहीं बचेगा आज मेरे जूतों का। बजरू जब शूट कराने लगी है, सबके मुंह में बजरू ने बबले दे दी हैं ताकि ना उड़ चुके हैं बाल, बिल्कुल वाकई फैसे ट्राई करने लगा है। तो तरीका ही कोई और है। हाँ, ये तो मजे की है। मानूर कितनी खुश हो रही है देख देख के उसको। मानूर करने लगे ट्राई, ओ ओ धक्का लगा। मानूर के पीछे किसी को भगाओ। सो गाइस, आप देख सकते हैं उजाला ने पहले टांग खाई है, और उजाला आप दोबारा कोशिश कर रही है चढ़ने की। उजाला प्लीज आप दोबारा कोशिश करिए। उजाला मैंने भी कहा था डन 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 डन, मैंने भी ऐसे कहा था उजाला। अपनी ग्रिप रखना है बेटा, काम काम वाला। छोड़
इसके ब्लॉग वाले फोन में बना रहा हूँ। जाला गालियां तो ना दे पाग, तेरे ब्लॉग में जाना सब। और डिंगी हो गई है, रुको रुको रुको, सीधी बैठ। जाला भी तो जब इसको छोड़ेंगे तब पता चलेगा। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। Yes! Go! ओ वो गिरने लगी है, छोड़ दो इसे, वो छोड़ दो, ये खुद जाएगा अपनी जगह पे। मेरे साथ भी ऐसी बात है। अब जाला अपना एक्सपीरियंस बताएगी, प्लीज जाला अपना एक्सपीरियंस बताएं। क्या होता है, क्या होता है? बाजी नाल नहीं, नाल बड़ी खराब वाला है। ओए पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। मैं भी ऐसे कह रहा था। जाला क्या कहना चाहेंगी आप? आठ ठीक है, ठीक है, आठ ठीक है, नौ आना थी। मैं तो उसके ऊपर से गिर रही थी। तुमने बाल चेक कर, व्लॉग में जब आएंगे तब पता चलेगा। इनका अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा कि ये वाली कश्ती सही है कि वो वाली कश्ती सही है। छोटी है उल्लू का, छोटी है। चलें जी, कोई माने ना, तरीका चेक करिए आप कश्ती के ऊपर बैठने के। सबसे पहले मानू को बिठा रहे हैं। मीरू फर्स्ट, आप लूका को मिली सिप्पी है और ये नींबू निकला। लूका के साथ प्रैंक हो गया। मानूर को बहुत खौफ आ रहा है। चलो आज बारी बारी सारे आओ। हमारा कश्ती में भी इसलिए बैठे ताकि हम डॉल्फिन देख सके, क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन तब मानू ने के लिए देख ली थी, अब हम दोबारा बैठे कि हमने डॉल्फिन देख लिया। अपनी ग्लासेस पहन के अच्छे से ढूंढ रही है डॉल्फिन देख लिए सिवाय मेरे। उजाला ने बहुत कोशिश की मगर उजाला कोई नजर नहीं है। मेरी अभी भी नजर पानी पे कि शायद मुझे दिखाई दे जाए। मुझे लग सकता हुई बहुत बुरी है। सबने देख ली, मुझे नहीं नजर आई। देख ले शायद अब नजर आ जाए। मेरी नजर अभी भी पानी पे कि शायद मुझे नजर आ जाए शायद। मामा भी से ज़ूम कर कर के हुए। वाओ, ओए लेवल तो अब आया पानी दे। इतना खूबसूरत लग रहा है ये पानी, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और महानूर अपना शूट करा रही है। शायद मुझे अब डॉल्फिन नजर आ जाए, लेकिन डॉल्फिन मेरी किस्मत में नहीं है। अब हो चुका है खाने का टाइम और अब हम खाने लगे हैं साबिर एंड यकूब की टेस्टी मछली, तली हुई मछली।
चलो बैठे। हाँ इनको अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा कि जहाँ पापा हमें लेके आते क्या ये वही जगह। ओ बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले से। तो सा जब लास्ट टाइम हमने 7 साल पहले देखा था तो बहुत बहुत चेंज था। यहाँ पे मिट्टी बहुत आ गई है, ऊंचाई बहुत हो गई है, पहले ऊंचाई नहीं थी ना। डॉक्टर मानूर के साथ डॉक्टर की छोड़ना नहीं कर उजाला यहाँ पे फिश अब फ्राई कर रही है स्पेशल हम सब के लिए। मेरे से भारी जी आ गई है मछली और मानूर और लुका से बिल्कुल जरा भी सबर नहीं है इनमें। मानूर ने खाने पे जोर दिया हुआ है, हमने बाल तो देख ये तो मैंने व्लॉग में डालने डाल। मम्मा मुझे मिल गया ग्लास रखा। मानूर कैसी थी मछली? बहुत अच्छी। अब पानी में छलांग मारो, चलो तैरना शुरू करो। मछली बहुत मजे की थी लुका, चलो पानी में छलांग मारो और तैरना शुरू करें। हमने भी खाई है। मामा मुझे भी कोक। चाय पीने के लिए इस ठंड के मौसम में चाय पीना अच्छी बात है। वैसे जैसे जैसे मैं ब्लॉग में आ रही हूँ वैसे वैसे मेरा गला ठीक हो गया और आपका मुंह अब लाल सुरख और फट चुका है। मेरी हालत है, प्लीज मुझे मेरी हालत दिखा। मारो मेरी हालत फटी पड़ी हालत है। ओए वाह झूला भी है, छोटा सा झूला भी है, झूला भी है। लुका ने भी भाग के जंपिंग वाले भी है। उजाला लुका तेरी और मेरी उम्र के झूले आ गए, आ जा ले। ये झूला है ये सर, इसलिए शोर दे रहा है ताकि मैं बैठूं वो ऐसे लगे कि फिर इनके ऊपर जंग लगा हुआ है। लुका फट गया ना तो चट्टी है। मानूर तो चाय के साथ भी शूट कराती है वैसे। थैंक यू बाजी रूच स्पॉन्सर भाई रूच, थैंक यू रूच। वाओ ये स्पॉन्सर रूच। ये बहुत ज़्यादा सर्दी और अब हम जाने लगे हैं अपने घर को वापस इतना घूम फिरने के बाद। और ये हमारा फैमिली टाइम था आज का दिन जो था हमने अपनी फैमिली के साथ गुजारा, इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि एक ना एक दिन महीने में, हम तो 4-5 महीनों बाद मिले हमने ऐसा ट्रिप बनाया, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें अपनी फैमिली को टाइम दिया करें और अपनी फैमिली के साथ रहा करें और इन्जॉय किया करें, क्योंकि ये जो फैमिली टाइम होता है उसका मज़ा जो होता है वो अलग ही होता है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और मेरी तबीयत भी सुबह से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, शायद माइंड फ्रेश हो गया इसलिए। घर में रह रहा कि भी बोर हो गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी की आदत हो चुकी है। तो आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।